हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोजेक्ट्स विद दिगंबर। सो गाइस, हमने पिछले वीडियो में अपने जार्विस के प्रोजेक्ट का सेटअप किया था और साथ ही में हमने इस प्रोजेक्ट का जो फ्रंट एंड है उसे हमने डिज़ाइन किया था। ये जो फ्रंट एंड है ये हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने इसे बनाया था, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली अपने बैकएंड यानी कि ये जो पाइथन है उसे हम लिंक करने वाले हैं अपने फ्रंट एंड के साथ, यानी कि index.html फाइल के साथ। सो गाइस, बेसिकली आज का हमारा जो एजेंडा है उसमें हम सबसे पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसे हम क्रिएट करेंगे पाइथन की मदद से। फिर उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे एक ईल मॉड्यूल को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है अपने प्रोजेक्ट जार्विस में। इस मॉड्यूल की मदद से हम अपने जो फ्रंट एंड है उसे हम लिंक करवा सकते हैं अपने बैकएंड के साथ, और जो कम्युनिकेशन करेंगे हम बैकएंड से फ्रंट एंड की और फ्रंट एंड से बैकएंड की, उसमें ये बहुत क्रूशियल रोल निभाने वाला है। सो गाइस, नेक्स्ट काम हम करने वाले हैं वो है अपने फ्रंट एंड को बैकएंड के साथ लिंक करना। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने टर्मिनल को यहाँ पर ओपन कर लेना है, ठीक है। टर्मिनल आप यहाँ से ड्रैग करके ओपन कर सकते हो या फिर टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मेरा पावर शेल दिख रहा है, आप यहाँ से कौन सा भी टर्मिनल ओपन कर सकते हो, पावर शेल, गिट बैश और कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैंने यहाँ पर पावर शेल ही रहने दिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। सो गाइस, बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम जो भी पैकेजेस होंगे पाइथन के वो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे, यानी कि ग्लोबली हमारे सिस्टम में जो है वो स्पेस नहीं लेंगे, यानी कि बेसिकली हम ग्लोबली अपने पाइथन में उसे इंस्टॉल नहीं करेंगे, जो भी होगा वो हमारे बस इस प्रोजेक्ट के अंदर होगा, ठीक है। सो गाइस, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमें कमांड देनी होगी पाइथन -m venv, यानी कि वर्चुअल एनवायरनमेंट, और उस एनवायरनमेंट का नाम, यानी कि मैं उसका नाम दे रहा हूँ env Jarvis। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर इंक्लूड लिप स्क्रिप्ट नाम और ये जो फाइल्स है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। सो यहाँ पर भी हमें प्रॉम्प्ट दिखा कि हमने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। सो आप main.py में आप यहाँ पर जाओगे, ठीक है, और यहाँ पर जो भी टर्मिनल्स है उन्हें हम यहाँ पर किल करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसे किल कर देता हूँ। सो गाइस, अभी हमें क्या करना होगा, इस प्रोजेक्ट के लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जो है ग्लोबली जो पाइथन है वो कॉन्फिगर हुई है, सो हमें उसे चेंज करके यहाँ पर करना होगा पाइथन 3.10.7 env, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रिकमेंडेड भी यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। सो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर इसे किल करेंगे इस टर्मिनल को, और फिर से एक और टर्मिनल यहाँ पर ओपन करेंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर आ रहा है, मतलब बेसिकली ये हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में अब है, ठीक है। सो गाइस, अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है ईल मॉड्यूल को इंस्टॉल करना। सबसे पहले हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देख लेते हैं, ईल पाइथन। सो बेसिकली गाइस, हम जो इस ईल मॉड्यूल को यूज करने वाले हैं वो हम अपने पाइथन के बैकएंड को और फ्रंट एंड के साथ लिंक करने के लिए इस मॉड्यूल का हम इस्तेमाल करेंगे। सो बेसिकली गाइज, हम इस मॉड्यूल के साथ HTML, CSS और JavaScript को यूज़ कर सकते हैं पाइथन के साथ, ठीक है। सो इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले pip install ईल करना होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, फिर यहाँ पर हम टर्मिनल में जाएंगे। यहाँ पर आप इंश्योर कर लेना कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही हो। सो मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करूँगा pip install ईल और एंटर करूँगा। सो गाइज, जो हमारा ईल मॉड्यूल है वो बेसिकली यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। सो गाइज, जो ईल मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट हम जो अब करेंगे अपने फ्रंट एंड को इस main.py से लिंक करना। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर index.html में आके यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखनी होगी, स्क्रिप्ट src, और यहाँ पर देना होगा ईल, ठीक है। सो आप डॉक्यूमेंटेशन में भी यहाँ पर देख सकते हो कि हमें ईल को जो है यहाँ पर लिंक करना है, ठीक है। सो बेसिकली ये इस तरह से कोड है। सो मैं स्लैश लगाना वहाँ पर भूल गया, यहाँ पर स्लैश लगाएंगे ईल.js और स्लैश, ठीक है।
सो गाइज अब हमने यहाँ पर इसे लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी मेन में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे। सो गाइज सबसे पहले हमें अब इंपोर्ट करना होगा हमारा OS मॉड्यूल, ठीक है। इंपोर्ट OS, फिर हमें इंपोर्ट करना होगा ईल को, इंपोर्ट ईल। नेक्स्ट अभी हमें ईल का जो एक फंक्शन है उसे हमें डायरेक्टरी बतानी होगी कि किस डायरेक्टरी में हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे ईल डॉट इनिट, यानी कि इस डायरेक्टरी को पॉइंट करो, ठीक है। अभी हमने www डायरेक्टरी है जो ये, इसे हमने यहाँ पर बता दिया कि इस डायरेक्टरी में हमारी फ्रंट एंड की फाइल्स है। सो गाइज अभी हम क्या करेंगे, अपने जो index.html है यानी कि इस वाले फ्रंट एंड को ऐप मोड में ओपन करेंगे। ऐप मोड में मतलब जब भी हम कौन सा भी यहाँ पर विंडोज़ में ऐप ओपन करते हैं, जैसे कि नोटपैड। सो ये जो आपको विंडो दिख रही है, सो इस विंडो में हमें इसे ओपन करना है। और ये जो विंडो है ये हमें डिफ़ॉल्ट प्रदान करता है हमारा जो ब्राउज़र है, MS Edge या फिर क्रोम, और या फिर आप कौन सा ही ब्राउज़र यूज कर सकते हो, उसमें हमें ऐप मोड मिल जाता है, ठीक है। सो गाइस ऐप मोड में ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर OS मॉड्यूल से सिस्टम जो फंक्शन है हमारा उसे कॉल करना होगा, और उसमें हम जो है एक कमांड देंगे स्टार्ट MS Edge में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो ब्राउज़र है विंडोज़ में डिफ़ॉल्टली इंस्टॉल होता है, ठीक है। सो आप अगर किसी को ये exe दोगे भी तो वो इजीली इसे यूज़ कर सकता है, ठीक है। सो msh.exe, और उसके बाद हम यहाँ पर एक फ्लैग देंगे ऐप, यानी कि ऐप मोड, और उसमें हम देंगे अपना जो प्रोजेक्ट की लोकल होस्ट की URL, ठीक है। सो लोकल होस्ट की URL के लिए यहाँ पर हमें, सो गाइस यहाँ पर अभी एक एरर आ रहा है डबल कोट्स का, ठीक है। सो इस एरर को रिमूव करने के लिए हमें जो है इसे सिंगल कोट में लेना होगा। सो मैं यहाँ पर सिंगल कोट लगा देता हूँ, और अब हम इसमें पास करेंगे डबल कोट में URL, ठीक है। http://localhost पोर्ट नंबर 8000/index.html। सो गाइस बेसिकली ये जो है पोर्ट नंबर 8000 पर डिफॉल्टली ओपन होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर 800 लिख दिया था, हमें 8000 से करना है। नेक्स्ट हमारा जो काम है इस फाइल को बताना कि कौन सी फाइल हमारी फ्रंट एंड की फाइल है, यानी कि इंडेक्स फाइल, ठीक है। सो हम ईल को अभी बताएंगे ईल डॉट स्टार्ट, यानी कि किस फाइल को हमें स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए हम इसे बताएंगे index.html को, index.html। यहाँ पर मोड बताना होगा, तो मोड हम इसका रखेंगे नन। उसके बाद हम यहाँ पर होस्ट रखेंगे इसका लोकल होस्ट, यानी कि हम लोकल मशीन पर इसे रन कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो ब्लॉक होगा उसे हम ट्रू करेंगे। सो गाइज अभी हमें इस फाइल को रन करना होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर पहले क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को। सो गाइज आप देख सकते हो कि जो हमारा जार्विस का फ्रंट एंड है वो अभी ऐप मोड में ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉर्नर में आपको जो आइकन है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, इसे एक आइकन देंगे। सो गाइज ऑलरेडी मेरे पास एक आइकन पड़ा हुआ है, ये वाला लोगो, और इसका जो फाइल टाइप है वो बेसिकली मैंने आईको रखा है, ICO, ठीक है। सो आपको भी इसी तरह से एक कौन सा भी आइकन ले लेना है, ओके। और उसे हम जो है अभी यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे एसेट्स के अंदर। यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाएंगे इमेजेस का, और इस फोल्डर के अंदर हम इसे कॉपी कर देंगे, ठीक है। सो एसेट्स के अंदर मैंने इस फोल्डर को यहाँ पर डाल, सॉरी ये जो है ग्लोबल में आ गया, इसे मूव कर देंगे
इमेजेस में, ठीक है। और अभी हमें इंडेक्स में जाके यहाँ पर लिंक करना होगा। सो उसे लिंक करने के लिए हम कमांड देंगे लिंक फैव आइकन, और यहाँ पर उस फैव आइकन का पाथ, सो वो है हमारे एसेट्स फोल्डर में, इमेजेस फोल्डर में और लोगो डॉट ICO, ठीक है। सो अभी मैंने इसे सेव कर लिया है यहाँ पर, और अब हम क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे और फिर से इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे यहाँ से। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो आइकन है वो भी हमें दिख रहा है, यानी कि अभी है एक पूरा विंडोज का एप्लीकेशन यहाँ पर हमें दिख रहा है, ठीक है। सो गाइज अब हम जल्दी से अपने जो कोड है उसे हम कमिट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2K फाइल्स हमें दिख रही है, क्योंकि हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट को यहाँ पर ऐड किया है। इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को जो है हमें इग्नोर करना होगा, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है वो हम किसी भी सिस्टम में बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक रूट में फाइल बनानी होगी .gitignore नाम से, और हमें जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसका हमें यहाँ पर पाथ देना होगा। सो हम यहाँ पर देंगे, सो अब हम यहाँ पर जो पाथ देंगे वो होगा /env Jarvis, और इस फाइल को हम सेव करेंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी हमें जो कमिट्स हैं वो बस 4 फाइल्स में मिल रहे हैं, यानी कि इन 4 फाइल्स में हमने चेंजेस किए, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे कमिट कर देता हूँ। सो डे 2 कंप्लीट, यहाँ पर आओ इसे कमिट कर दिया। सो अभी हम यहाँ पर चेंजेस को सिंक कर देंगे, यानी कि इस कोड को पुश करेंगे गिटहब पर। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जार्विस की, सो इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लेना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक भी कर सकते हो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।